Dear students, the topic which we are going to now discuss is total safety management in a quality management setting. TSM. This quality, quality management, total quality management, total quality management ke processes. Hum discuss the safety and health professionals of today is likely to work in an organization that practice the quality management philosophy. Consequently, students of safety and health should understand quality management and how to apply its principles to the organizations. हम इसको पहले डी ए स्टूडेंट देखते हैं कि वट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट क्वालिटी मैनेजमेंट इज द अप्रोच टू डूइंग बिजनेस दैट मैक्सिमाइज द कंपेटिटिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट सर्विस पीपल प्रोसेस एंड एनवायरमेंट ये की टर्म है हमारे लिए क्वालिटी मैनेजमेंट अगर ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट कर रही है अपनी प्रोडक्शन में प्रोडक्ट में प्रोसेस में पीपल मीन इम्प्लाइज और एनवायरमेंट में तो इसका मतलब है कि दैट ऑर्गेनाइजेशन इज प्योरली फुलफिलिंग द फिलोसफी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट वट इज क्वालिटी मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्वालिटी हैज सम स्पेसिफिक आर एज नंबर कस्टमर फोकस विद क्वालिटी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टीम वर्क कॉन्टिन्यूल प्रोसेस इंप्रूवमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रीडम थ्रू कंट्रोल यूनिटी ऑफ परपज एम्पावरमेंट इनको एक एक लाइन में हम डी स्टूडेंट्स देख लेते हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन का फोकस कस्टमर पे है व्हाट कस्टमर वांट, उसके मुताबिक हम डेवलप कर रहे हैं प्रोडक्ट अपनी तो इट मीन वी हैव कस्टमर फोकस क्वालिटी के ऊपर कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा साइंटिफिक अप्रोच यूज़ की जा रही है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट शॉर्ट टर्म गोल पे फोकस नहीं है बाय वन गेट वन फ्री पे नहीं है ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट इस तरह से डिवेल्प करे कि कस्टमर अगेन एंड अगेन बाय करे दिस इज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट टीम वर्क ऑल द एम्प्लाइज आर ऑन द सेम पेज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फ्रीडम थ्रू कंट्रोल आर्गेनाइजेशंस का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि तमाम स्टेक होल्डर को साथ लेके चला जाए और आर्गेनाइजेशन की क्वालिटी मैनेजमेंट की फ़िलासफी फुलफिल तब होगी जब तमाम स्टेक होल्डर को उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम जस्टिफाई करें फुलफ़िल करें और उनको मैनेज करें हाउ डज क्वालिटी मैनेजमेंट रिलेट्स टू सेफ्टी कस्टमर फोकस आर्गेनाइजेशन शुड आल्सो कलेक्ट कस्टमर डेटा अबाउट द सेफ्टी एंड हेल्थ फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट अगर कस्टमर का डेटा आपके पास नहीं है हाउ यू विल डील विद दो कस्टमर्स पर्टिकुलर वो ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा सेंसिटिव नेचर की आर्गनाइजेशन हैं वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं इंप्लाईज़ का डेटा खास तौर पर आर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए कि एम्प्लाई का पिछला साल दो तीन साल का एम्प्लाई रेकेड कि वो एम्प्लॉँ किस किस्म के डिजीज का शिकार हो चुका है ताकि उसकी हेल्थ को लेकर चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड पॉइंट ऑब्सेशन विद क्वालिटी है आर्गेनाइजेशन अगर क्वालिटी को कम्प्रोमाइज़ कर जाती है तो वो कभी भी अपने डिजायर गोल अचीव नहीं कर सकते ऑर्गेनाइजेशन वही सक्सेसफुल है जो क्वालिटी पे कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करे साइंटिफिक अप्रोच इनपुट प्रोसेस आउटपुट डेटा कलेक्शन डेटा अनालस डेटा इंटरप्रिटेशन अगर ये चीज़ें हाइपोथेटिकल डिवेलमेंट साइंटिफिक अप्रोच को ऊपर फॉलो कर रही हैं साइंटिफिक अप्रोच के मुताबिक हैं तो आपके डेफिनेटली रिजल्ट बेटर होंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एग्जैक्टिव लेवल मैनेजर्स शो देयर कमिटमेंट टू सेफ्टी एंड हेल्थ आपको मालूम है डी स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन में इम्प्लाई, इम्प्लायर और बहुत से ये मिलकर काम करते हैं अगर इम्प्लाई अच्छा काम करना चाह रहा है और उसकी इंट्रेंसिक रिवार्ड नहीं मिलता टॉप मैनेजमेंट की तरफ से वो काम थोड़ी देर के लिए तो होगा बाद में बंद हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट्स लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपके साथ रहनी चाहिए टीम वर्क जस्ट एज क्रॉस फंक्शनल टीम्स आर द साइंस स्पेसिफिक क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट्स सिमिलर टीम शुड बी फॉर्म टू टैकल स्पेसिफिक सेफ्टी एंड हेल्थ इशूज प्रोडक्शन से एक बंदा मार्केटिंग से हेल्थ एंड सेफ्टी से फाइनान्स से अकाउंट से ऑडिट से इस तरह क्लास द डिपार्टमेंट टीम जो डिवेल्प होगी वो बेटर रिजल्ट हमें प्रोवाइड कर सकती है कंटिन्यूअल प्रोसेस इंप्रूवमेंट आपको मालूम है कि टॉप पोजिशन रिमेन्स ऑलवेज वेकेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट से दी बेस्ट की तरफ मूव करती है ताकि अपने मिशन को अचीव करके गोल की तरफ मूव किया जाए कौन सा गोल जो विजन की तरफ मूव करे तो इस तरह ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करके अपनी प्रोडक्ट product में प्रोडक्शन प्रोडक्शन प्रोसेस में बेहतरी ला सकती है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑन गोइंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आए उसको अडॉप्ट करें इंप्लाई को एजुकेट करें फ्रीडम थ्रू कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय को फ्रीडम दें लेकिन उनको पता हो कि हमारे ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी है जब तक डी ए स्टूडेंट्स अकाउंटेबिलिटी नहीं होती आदमी उस वक्त तक बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता यूनिटी ऑफ परपज ऑर्गेनाइजेशनल यूनिटी कंसर्न सेफ्टी एंड हेल्थ विल गो लॉन्ग वे टू वर्ड्स द इफेक्टिवनेस ऑफ अ सेफ्टी प्रोग्राम यूनिटी का मतलब यहां पे सेफ्टी प्रोग्राम है सेफ्टी प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन है एग्जीक्यूशन है और लास्ट एम्पावरमेंट इम्प्लाई को लिटिल बिट डिसीजन करने की आज़ादी होनी चाहिए अगर इम्प्लाइज़ को लिटिल बिट डिसीजन करने की आज़ादी ना हो तो एम्प्लाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट को हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट फील नहीं कर सकेगा तो देर मस्ट बी लिटिल बिट ऑटोनॉमी टू द एम्प्लॉज इम्प्लाई कैन मेक सम डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज डेजिग्नेशन इस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी मैनेजमेंट को रिलेट कर सकते हैं सेफ्टी के साथ